अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। इस हादसे में 14 परिवार मलबे में दब गए। यह अपार्टमेंट नवाजिश मंजूर व उसके चचेरे भाई तारिक का है। बीती रात नवाजिश को लखनऊ से मिले निर्देश के बाद मेरठ पुलिस ने हिरासत में लेकर लखनऊ भेज दिया है। नवाजिश मंजूर समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे शाहिद मंजूर का बेटा है। जिस वक्त पुलिस ने जलीकोटे स्थित घर पर दबिश दी, शाहिद मंजूर घर पर नहीं थे। उन्होंने एसएसपी को फोन पर बात कर सहयोग देने की बात कही, जबकि नवाजिश को हिरासत में लिए जाने की सूचना पाकर बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पहुंच गए थे। परेशानी बढ़ाने वाले इस घटनाक्रम के दरमियान शाहिद मंजूर ने मेरठ छोड़ दिया है, जबकि उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वे शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बताया गया है कि वे लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। नवाजिश मंजूर ने मेरठ में भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को अंजाम दिया है। ये सभी निर्माण मेरठ विकास प्राधिकरण के नौकरशाहों के संरक्षण में किए गए हैं। इनमें से एक बेगम पुल पर बने निर्माण को तोड़ा भी गया था। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। कल लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के नाम की एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। इस संबंध में पूछताछ हेतु मेरठ से नवाजिश शाहिद नाम के एक व्यक्ति को मेरठ पुलिस के साथ लखनऊ रवाना किया गया है। यहाँ कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा अग्रिम पूछताछ व कार्रवाई की जाएगी। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।